गुड आफ्टरनून बच्चों, आज आप लोग संस्कृत गद्य भारती के अष्टम पाठ आदि शंकराचार्य का सारांश पढ़ेंगे, आदि शंकराचार्य के विषय में जानेंगे वे कौन थे। यह भारत भूमि धन्य है जहां सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों के विनाश के लिए सही स्थिति और प्रत्यय करने वाले परमात्मा कभी कभी राम कभी कृष्ण के रूप में मानव अवतार लेकर स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। आदि शंकराचार्य भी नील लोहित भगवान शंकर के ऐसे ही अवतार माने जाते हैं। इनके अवतार के समय अशोक आदि सम्राट और अभिमानी पंडित लोग वेद मूलक धर्म का तिरस्कार कर रहे थे। बाल जीवन काल, शंकराचार्य का आविर्भाव भारत के दक्षिण भूभाग में स्थित केरल प्रदेश के मालावार जनपद में पूर्णा नदी के तट पर स्थित शलक नामक ग्राम में सन 788 में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम सुभद्रा था। इनके पिता का स्वर्गवास इनके बचपन काल में बचपन में ही हो गया था। वे इतने प्रतिभाशाली थे कि 8 साल की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने सारे वेद और वेदांगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वैराग्य का कारण, पूर्व जन्म के सत संस्कारों के कारण इनके मन में यह धारणा दृढ़ता से बैठ गई थी कि यह संसार माया से परिपूर्ण है। इसीलिए इनका मन तत्व की खोज के लिए लालायित हो गया था, किंतु माता के मना करने के कारण ये संसार से विरक्त होने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। लेकिन सौभाग्यवश एक बार शंकर अपने माता के साथ पूर्णा नदी पर स्नान के लिए गए। जल में उतरते ही एक अत्यंत बलशाली घड़ियाल ने इनका पैर जकड़ लिया। उसने इन्हें तब तक मुक्त नहीं किया जब तक इनकी माता ने इन्हें संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं दी। ये संन्यास धारण करने के लिए किसी योग्य गुरु की तलाश में वन वन भटकते रहे। अंततः इनकी भेंट गोविंद पाद से हुई। उन्होंने शंकर की अलौकिक प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें संन्यास ग्रहण करा दिया और विधिवत वेदांत तत्वों का अध्ययन भी कराया। भाष्य रचना, इन्होंने काशी में निवास करने के समय व्यास सूत्रों उपनिषदों
तथा गीता पर सारगर्भित भाष्य लिखे। इन ग्रंथों से इनकी अद्भुत प्रतिभा का आभास होता है। शास्त्रार्थ में दिग्विजय। शंकराचार्य ने वेद विहित धर्म की पुनः स्थापना के लिए समस्त भारत का भ्रमण किया। काशी में स्थित महापंडित मंडन मिश्र के दर्शनों की इच्छा से वे वहां पहुंचे। ये धीवरी द्वारा मंडन मिश्र के निवास का सही परिचय पाकर उनके घर पहुंचे। धीवरी जो है मछुआरे को कहा जाता है। मंडन मिश्र के घर पहुंचे तथा शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित किया। मध्यस्था करने वाली मंडन मिश्र की पत्नी द्वारा पूछे गए काम शास्त्री प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें भी परास्त किया। अंत में मंडन मिश्र ने इनका शिष्यत्व अथवा इन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। शंकर द्वारा वैदिक धर्म को पुनर्जीवन। इसके पश्चात शंकर ने प्रयाग में स्थित वैदिक धर्म के उद्धार में लगे हुए परम विद्वान कुमारिल भट्ट के दर्शन किए। यूं तो वैदिक धर्म के कर्मकांड के आधार पर कुमारिल भट्ट ने संप्रदायवादियों को परास्त कर दिया था, लेकिन शंकर ने उन्हें कर्मकांड की मोक्ष मार्ग में व्यर्थता बताकर और उनके मन खंडन करके ज्ञान की महिमा का प्रतिपादन किया और ये भी सिद्ध किया कि ज्ञान मोक्षदायक है, मोक्ष प्रदान करने वाला है और वही वेद का सार है। इस प्रकार सेतुबंध से कश्मीर तक भ्रमण करके शंकर ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का, अपनी अद्भुत योग्यता का, अपनी अद्भुत योग्यता के द्वारा विरोधियों को परास्त किया और अंत में 32 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। शंकराचार्य के सिद्धांत। यद्यपि शंकर ने व्यास प्रणीत ब्रह्म सूत्र पर सारगर्भित भाष्य की रचना की और उसी के आधार पर वैदिक धर्म को पुनः जीवित किया, उन्होंने वेद तथा उपनिषदों के तत्व का ही निरूपण किया। इनके अनुसार संसार में सुख दुख भोगता हुआ प्राणी ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया और अनेक रूपात्मक सृष्टि को ब्रह्म पर आधारित बताया। कहने का तात्पर्य है कि इनके अनुसार संसार सुख दुख भोगता है और वेद के अध्ययन से ब्रह्म की प्राप्ति करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। विश्व बंधुत्व की भावना। शंकर का अद्वैत
जीव और ब्रह्म की एकता। अद्वैत का मतलब है जीव और ब्रह्म की एकता, जीव और ब्रह्म एक है, इन्होंने दोनों को एक बताया है। शंकर का अद्वैत विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। इस भावना के विकास के प्रतिफल स्वरूप राष्ट्रीयता का उदय और जातीय तथा क्षेत्रीयता, जाति तथा क्षेत्रीय संकीर्णता का नाश होता है। इसी राष्ट्रीयता की भावना को पुष्टि प्रदान करने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों में चार पीठों तथा मठों की स्थापना की। पहली पीठ का नाम है श्रृंगेरी पीठ, दूसरी पीठ गोवर्धन पीठ, तीसरी ज्योति पीठ, ज्योतिष पीठ और चौथी शारदा पीठ। ये चारों मठ आज भी राष्ट्रोन्नति एवं वैदिक धर्म के प्रचार में संलग्न है, लगे हुए। शंकर यद्यपि अल्प आयु ही रहे, ज्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रहे, लेकिन उनके कार्य, काव्य ग्रंथ तथा अद्वैत सिद्धांत आज भी हमें प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। बच्चों, ये आदि शंकरा जी के विषय में बातें बतलाई मैंने, ये सारांश है, इसको आप कॉपी पर करेंगे। इसे समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।